ग्रेटर नोएडा की हिमसागर सोसाइटी में ड्रेस कोड को लेकर नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में साफ साफ ये लिखा गया है कि आप लोग लुंगी और नाइट ही पहनकर नहीं घूम सकते, इससे जो बच्चे हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल होने के बाद की तरफ से जो सोसाइटी के जो सचिव हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हमारा मकसद ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को आहत करें, लेकिन एक और नोटिस जारी कर रहे हैं जिसमें उनसे माफ़ी मांगी जाएगी। हमारी कोई मंशा नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत किया जा सके। हमें इस तरह की शिकायतें मिल रही थी जिसको लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा की आप लोग सोसाइटी के प्रांगण में लुंगी और नाइटी पहनकर नहीं घूम सकते, इसको लेकर के यह जो लेटर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब ये पड़ताल की गई कि आखिर ये जो नोटिस जारी किया गया है तो इसमें पाया कि जो सोसाइटी के जो सचिव और अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हमारी मंशा ये नहीं थी कि किसी के मन को आहत करें, लेकिन अगर जो लोग कपड़े पहनते हैं उससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर के ये सर्कुलर जारी किया गया था। लेकिन सोसाइटी के लोगों ने फिर दोबारा से एक सर्कुलर जारी किया है कि आप लोगों की मर्जी है, आप किसी भी तरह के कपड़े पहनकर घूम सकते हैं, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बता दें कि ये नोटिस कल से ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। टोली सर, सर्कुलर जारी किया गया था, क्या कहना आपका हमारे में? इस सर्कुलर में हमारा अनुरोध ही किया था, कुछ लोगों की शिकायतें आई थी कि कुछ लोग ढंग के कपड़े नहीं, योगा के टाइम में लुंगी ढंग से नहीं पहनते हैं, तो हमने इस पे जो है एक अनुरोध किया लोगों को कि ये लुंगी वगैरह ढंग से पहने या ना पहने, यही अनुरोध किया था। और इसमें कोई हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी, किसी को भी किसी के रिलीजस या उसके ऊपर कोई भी सम्मान को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई ध्येय नहीं था। लोगों ने किस तरीके की शिकायत की थी आपसे? लोगों ने ये शिकायत की थी कि नीचे एक दो बुजुर्ग बैठते हैं, जब वो योगा करते हैं तो लुंगी उनकी ढंग से नहीं होती, ऊपर हो जाती है, वो नीचे कभी कुछ नहीं पहने होते, तो इसलिए कुछ महिलाओं ने भी शिकायत की, तो उस पर हमने रिक्वेस्ट कर दिया, यही हमारा इंटेंशन था। सर, नाइटी को लेकर भी कोई ऐसा आदेश था? नाइटी को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं था, इसलिए हम से शायद कोई गलती हो गई होगी। अभी सर दूसरा कोई नोटिस जारी कर रहे हैं? हाँ, एक नोटिस जारी करें जिसमें मैं लोगों को हिमसागर वासियों को समझा रहा हूँ कि हमारा कोई गलत उद्देश्य नहीं था इस चिट्ठी में, और किसी की भी भावनाओं को हर्ट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। शिकायत आई थी इसलिए हमने ये परिपत्र जारी किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।